बच्चे जब छुट्टियों में घर रहते हैं या उनकी कोई ऐसी छुट्टियां आ जाती हैं जब उनको 2 या 3 दिन घर रहना पड़ता है, या कभी कभी कोई संडे भी, जैसे कि हर संडे अपने घर पर रहते हैं, तो उनकी एक रूटीन नहीं होती। छुट्टी के दिनों में सारी रूटीन अपसेट हो जाती है। जैसे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी घर पर रहते हैं, और उसके बाद मदर के लिए उन सबको मैनेज करना, सबको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम बच्चों के लिए हमें कोई ऐसा रूटीन एक फिक्स करके रखना चाहिए कि जब तक वो प्लस टू अपनी पास नहीं कर जाते तब तक उनकी एक रूटीन सेट रहे, बनी रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन लाइफ बच्चों को समझाना, बच्चों को देना और बच्चों को उसके लिए प्रेरित करना, और थोड़ा सा काबू में करके, कंट्रोल करके, चाहे शायद थोड़ा गुस्सा भी करना पड़े, बच्चों को हमें अपने इस चीज़ को समझाना होगा, सिखाना होगा कि इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। प्लस टू तक अगर आप बच्चों के साथ ये चीज़ करते हैं, ज़बरदस्ती भी करते हैं, तो बच्चों को एक हैबिट हो जाती है, उनका एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। उनको फिर बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। अगर आप बच्चा सुबह उठता है और हमने उसकी हैबिट बना दी कि उसने उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर खुद ठीक करना है, अपनी जो बेडशीट है, रजाई है, पिल्लो है, उन सबको अपनी जगह पर रखना है, अपनी बेडशीट उसने ठीक करके बिछानी है दोबारा से, ये सारा काम अगर वो खुद करे, उसके बाद अपने जो कपड़े, अगर नहाने के बाद गंदे कपड़े हैं जहाँ पर वॉशिंग मशीन में या वॉशिंग एरिया में जहाँ पर भी डालने हैं, वो बच्चा खुद डाले। नहाने के बाद जैसे बाथरूम होता है, गंदा होता है, गीला होता है, तो एक वाइपर वहाँ पे रखा जाए और बच्चे को समझाया जाए कि इसके बाद तुमने इसकी क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग नहीं करनी है, एटलीस्ट उसको सुखा दो, फर्श को सुखा दो, गीले कपड़े, गीला टॉवल जहाँ पे डालना है, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। हमें बच्चों को सिखाने के बाद इसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि एक बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन की एक हैबिट बन जाएगी, और बच्चा नॉर्मली आपके साथ जब भी साथ में होगा, घर में होगा, कहीं पढ़ने बाहर जा रहा है, या कहीं आपको लगता है कि जॉब के ऊपर जा रहा है, हॉस्टल में जा रहा है, कभी पीजी लेके उसको रहना पड़ता है, तो उसको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि घर में ही उसने सब चीज़ें सीखी होंगी। दूसरी बात, आप ये भी समझते हो कि आजकल का जो टाइम है, आजकल के टाइम के अंदर बच्चों को अपने घर से दूर रहना पड़ता है जॉब के लिए भी, और उसके बाद अक्सर उनकी शादी हो जाती है, और हस्बैंड वाइफ दोनों आजकल अर्निंग होते हैं, दोनों अपनी कमाई कर रहे हैं। अब आप देखो कि किस तरह से जो ये चीज़, बच्चा अगर कहीं बाहर जाके रह रहा है, वाइफ के साथ रह रहा है, वो भी वर्किंग में है, बच्चा भी वर्किंग में है, अब ये दोनों बड़े हो गए हैं, और कल को अगर एक आदमी घर का काम कर रहा है, वाइफ अगर जॉब से आने के बाद घर का काम कर रही है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि इनमें मनमुटाव हो सकता है, काम को लेके, वर्किंग आवर्स को लेके, क्योंकि जब दोनों कमा रहे हैं, दोनों सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, तो अगर बच्चे को ये सब चीज़ें अभी से आप थोड़ा सा सिखा दोगे तो कल को अपने घर को चलाना, एडजस्टमेंट करके अपनी फैमिली को चलाना उसके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनके अंदर ये मुश्किल रहती है कि जैसे छोटे बच्चे को चीज़ नहीं सिखाई गई, उसको हैबिट नहीं बनी, बड़ा हो गया, अब वो करना भी चाहता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैं करूँ क्या, और वो चाह के भी अपने जो लाइफ पार्टनर है उसका हाथ नहीं बटा सकता, उसको हेल्प नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, तो ये चीज़ें धीरे धीरे मनमुटाव का कारण बनती हैं। हम चाहे काम करें या ना करें, ज़रूरत आने पे हम कितना काम करें, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी मर्ज़ी है, लेकिन हमें काम आना चाहिए। अगर काम आते ही नहीं होगा तो हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे, और अगर काम आता होगा तो हमारी इच्छा होगी कि हमने कितना काम करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो कुछ हैबिट्स हैं जो बच्चों को हमें छोटी एज से ही बना के देनी पड़ेंगी। आप अगर चाहते हैं कि बच्चों की हैबिट छोटी एज में बने, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है टाइम टेबल। हमारे घर का अपना, हमारे बच्चों का, घर के अंदर रहते हुए कोई टाइम टेबल नहीं होता। छुट्टी हो गई, किसी भी समय उठ गए, सुबह देर से उठ रहे हैं, रात को देर से सो रहे हैं। देर से उठने का मतलब है कि देर से उठे, देर से नहाना, और देर से ही उनका ब्रेकफास्ट। अब वो टाइम ऐसा आ जाता है कि ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप फौरन उनको 2 घंटे बाद लंच के लिए बोलोगे, जब लंच टाइम पे लंच के लिए बोलोगे तो वो लंच नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट इतना लेट हो जाता है। अब लंच टाइम पे नहीं होगा, उसकी रूटीन खराब होएगी, डिनर की रूटीन खराब होएगी, और पूरा दिन के जो साइकिल होएगा, हर चीज़ जो हमने टाइम पे जो चीज़ें करनी है वो टाइम पे नहीं हो रही, और इससे सभी को मिसमैनेजमेंट का सामना भी करना पड़ता है। हो सकता है कि उनका कंफर्ट लेवल लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं घर के सभी लोगों को मिसमैनेजमेंट का सामना करना पड़ता है और इससे सभी को दिक्कत होती है। सबसे पहले टाइम टेबल के अंदर भी हम ये चीज़ देखें कि पूरे दिन जब बच्चे जाग रहे हैं, जब बच्चे घर पर हैं, चाहे उनकी छुट्टियाँ हैं, चाहे वो वैसे अपने घर पर हैं, उनका एक मोबाइल का टाइम हमें फिक्स करना होगा कि कितना टाइम उन्होंने मोबाइल पर लेना है। आजकल सबसे बड़ा उनका बहाना होता है कि स्टडी हमारी चल रही है मोबाइल के ऊपर। काफ़ी चीज़ें अब ऑनलाइन से ऑफलाइन हो रही हैं, अगर फिर भी उनकी स्टडी चल रही है, रिसर्च करनी है, तो अपनी स्टडी के लिए उनको कितना टाइम चाहिए हमें पूछना होगा। मोबाइल का टाइम फिक्स कर दो। टीवी देखना है, कितनी देर देखना है, उसका टाइम फिक्स हम करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। बच्चों के जागने का टाइम,
कि अगर वो रात को देर से सो रहे हैं तो क्यों देर से सो रहे हैं, क्या करेंगे रात को वो, अगर रात को कुछ किया तो सुबह उसकी आउटपुट हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। और सुबह उठने का भी उनका टाइम फिक्स होना चाहिए, कितने बजे उठना है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो, लंच का टाइम हो, और बीच में हमें उनको अपनी हॉबी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए टाइम भी देना है। और उस टाइम में सिर्फ हमने उनको छोड़ नहीं देना, उनकी उस हॉबी के अंदर, एटलीस्ट मैं तो कहूँगा कि प्लस टू तक, हमें बच्चों की हॉबी में, उनकी क्रिएटिविटी में हमें उनका साथ खुद देना है। हम उनके साथ बैठें, हम उनसे बात करें कि आपको क्या चीज़ पसंद है, और पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या चीज़ पसंद है, वो उनके लिए पहले से ही वो सब चीज़ें अरेंज करके रखें, उस तरह के सारे जो भी उनके लिए प्रॉप्स हैं, कोई गैजेट्स हैं, कोई और टूल्स हैं ऐसे, वो सब चीज़ें उनके लिए पहले से अरेंज करके रखें कि हम उनके साथ एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटे हॉबी की क्लास करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, हम सब मिलके कुछ अच्छा नया बनाएंगे। बच्चे के अंदर इससे एक फैमिली के अंदर जुड़े रहने की भावना होती है, और उसके बाद अब जब अपनी हॉबी के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर काम करता है, तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाता है कि उसका लाइफ का जो गोल है, लाइफ का लक्ष्य है, वो क्या है, वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है, क्या वो अपनी हॉबी पे काम करना चाहता है, या सिर्फ स्टडी करके, ग्रेजुएशन करके और उसके बाद नौकरियां ढूंढेगा, या कोई ऐसा स्किल बहुत छोटी एज में डेवलप कर लेगा अपने अंदर कि प्लस टू तक आते आते, ग्रेजुएशन करते करते उसको प्लस टू के बाद ये पता लग जाएगा कि मैंने कौन सी वाली फील्ड में जाना है, मुझे क्या करना है, पहले से वो सारा कुछ क्लियर होगा। मेरे पास जो बच्चे सेंटर में आते हैं और करियर काउंसलिंग की जब बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुमने क्या डिसाइड किया, आप यकीन नहीं करेंगे, प्लस टू का बच्चा जिसके कि 6 महीने निकल चुके हैं प्लस टू करते हुए भी, और जब उससे पूछा जाता है कि तुमने प्लस टू के बाद क्या करना है, 90% बच्चों का जवाब होता है कि हमें मालूम नहीं है क्या करना है, पेरेंट्स ने हमें प्लस टू कराई है, कि कोई आर्ट्स लेके बैठा है, कोई कॉमर्स लेके बैठा है, कोई नॉन मेडिकल लेके बैठा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या करना है उनको किसी को नहीं पता। ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पता होता है कि हमने बीकॉम करनी है, कोई कह देता है कि हमने इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन उसके बाद गोल क्या है कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है। मतलब ये तब वाली कंडीशन बना देते हैं लोग कि जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, ये चीज़ है, पहले से मैनेज करके नहीं चलना। और क्या आप समझ सकते हो कि क्या ऐसा बच्चा कभी भी ज़िंदगी के अंदर कुछ हासिल कर पाएगा? उसकी आदत यही रहेगी कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब सोचना शुरू करेंगे। और बच्चों का, जैसे मैंने बोला कि सोने का टाइम, दिन में कितने बजे सोना है, रात को कितने बजे सोना है, और कोशिश करें कि दिन में बच्चों को थोड़ा सा टाइम सोने के लिए मिले। और दूसरी बात है कि ये सारी चीज़ों के ऊपर आप बच्चों के साथ बैठ के कंसेंट लें, हम थोपेंगे नहीं, हम उनको साथ लेके चलेंगे, हम उनको इसकी वैल्यू बताएंगे कि ये करने से, ये सीखने से, अभी उनको समझाएंगे कि तो हो सकता है तुम्हें मुश्किल लग रहा हो ये सारी चीज़ें करनी, लेकिन आने वाले टाइम में तुम इसका बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाओगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए जो टाइम टेबल बनाया तुम्हारी ज़िंदगी में कितना काम आ रहा है। स्टडी टाइम हम उसका सेट कर दें कि कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर उसने क्या क्या करना है, और उसके भी पार्ट्स कर दें, और हर खाने के साथ जैसे कि उसको हम क्या क्या काम करें, क्या क्या चीज़ें उसको दें, होमवर्क जैसे है कि कहीं बाहर लेके ना जाए, घर पे ही करें पूरा का पूरा होमवर्क, घर पे बच्चा करे। तो ये कुछ टिप्स हैं कि जो बच्चों को काफ़ी हेल्प करेंगे और आपको भी अपने घर को मैनेज करने में, बच्चों को अपनी लाइफ मैनेज करने में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।